तो WWE ने ऑफिशियली रॉयल रंबल का पोस्टर जो है उसको अनाउंस कर दिया है। एंड आप इस पोस्टर में देख भी सकते हो रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक, रोमन रेंज, इनको भी ऐड कर दिया है WWE ने। एंड साथ ही एक और सुपरस्टार जो कि एजे स्टाइल्स है वो भी इस पोस्टर के अंदर आप देख सकते हो। मतलब कि एजे स्टाइल्स का रिटर्न आपको रॉयल रंबल के अंदर या फिर उससे पहले भी देखने को मिल सकता है। बट इसमें एक बंदा मिसिंग है, वो है ड्रू मैकेंटायर। मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है इसके पीछे। बाकी रॉयल रंबल आपको 27 जनवरी को देखने को मिलेगा। भाई मतलब यार आई कांट वेट फॉर इट। और रोड टू रेसलमेनिया भी शुरू होने वाली है। इसी के साथ सीएम पंक के कुछ अर्ली प्लान्स निकल कर आए हैं। साथ ही साथ जॉन सीना भी रिटर्न आने वाले हैं WWE में। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर, फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले, आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। तो रेसलिंग ब्लॉग्स वालों की तरफ से एक ट्वीट निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सीएम पंक के कुछ अर्ली प्लान्स क्या हैं WWE में। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि WWE का सबसे जो पहला प्लान है वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच, जो कि पॉसिबली आपको रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिलने वाला है। एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है वो है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच। तो ये मैच भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा WWE में। तो ये दोनों ऐसे मैचेस हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको 110% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो पता चला है कि रॉयल रंबल एंड रेसलमेनिया 40 के अंदर सीएम पंक काम करने वाले हैं। मतलब कि इन दोनों पेपर व्यूज के लिए सीएम पंक की बुकिंग हो चुकी है, लेकिन जो एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू है उसके अंदर शायद से सीएम पंक नहीं आने वाले। हो सकता है कि WWE बाद में जाकर एडवर्टाइज कर दे, लेकिन करंट टाइम में सीएम पंक एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट नहीं होने वाले। एंड लास्ट थिंग जो है वो है सीएम पंक स्मैकडाउन के शोज पर अपीयर होंगे, जैसे कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर, लेकिन उनका जो मेजोरिटी ऑफ वर्क है वो मंडे नाइट रॉ पर ही होगा। मतलब कि सीएम पंक को आप फ्री एजेंट मान सकते हो, जो कि रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों ब्रांड्स पर आ जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना क्राउन ज्वेल के अंदर जब से सोलो सिक्वा से हारे हैं, जॉन सीना के फैंस तब से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं जॉन सीना के इस मैच से। एंड अब वो वेट कर रहे हैं कि कब रिटर्न आएंगे जॉन सीना WWE में वापस। तो देखो ऐसी कोई कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं निकल कर आई है, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा हैं कि WWE हर बार की तरह जॉन सीना को रेसलमेनिया पे पर व्यू के लिए बुक कर सकती है। अगर जॉन सीना अपने शेड्यूल से टाइम निकाल कर आते हैं, फिर आपको जॉन सीना का रिटर्न जरूर देखने को मिलेगा रोड टू रेसलमेनिया के। बात करें अगर मैच की, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच हो सकता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। अगर इन केस जॉन सीना नहीं आते हैं तो लोगन पॉल वर्सेस एलए नाइट या फिर बैड बनी के साथ होने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है। अगर आप मेरे से पूछो, मैं तो भाई पर्सनली जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल की फ्यूड देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तरफ तो सोशल मीडिया स्टार लोगन पॉल, जो कि भाई इतनी ज्यादा चुल्लू पंती करते हैं कि भाई क्या ही बोलूं मैं उसके बारे में, और दूसरी तरफ 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। बाकी लेट्स सी के जॉन सीना आते हैं हर बार की तरह रेसलमेनिया के अंदर या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।